ऋषि लक्ष्मी के ऊपर गिर गया पूरा आउट हाउस और लक्ष्मी ऋषि दोनों दब गए आउट हाउस के अंदर और नहीं रही लक्ष्मी जी। हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब विक्रांत वीरेंद्र के पास आएगा और वीरेंद्र को कहेगा कि अंकल क्या हुआ, आउट हाउस में कुछ हुआ है क्या, तभी यह सुनकर वीरेंद्र विक्रांत को कहेंगे कि आउट हाउस का मरम्मत का काम करना अभी बाकी है और उसमें लक्ष्मी तांबे के बर्तन लेने गई थी, इसलिए मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ये जब वीरेंद्र विक्रांत को कहेंगे तभी अचानक से आउट हाउस के गिरने की आवाज आएगी, जिसे सुनकर विक्रांत वीरेंद्र को काफी बड़ा शॉक लगेगा, जिस वजह से आयुष आउट हाउस में लक्ष्मी को बचाने के लिए अचानक से दौड़ते हुए जा रहा होगा। तभी आयुष की माँ यानी करिश्मा बुआ आयुष को रोक लेगी और आयुष का हाथ पकड़ के आयुष को कहेगी कहाँ जा रहे हो। तभी यह सुनकर आयुष कहेगा लक्ष्मी भाभी को बचाने, जिसे सुनकर करिश्मा बुआ जब आयुष को दौड़कर रोकने की कोशिश करेगी तभी पीछे से नीलम करिश्मा बुआ को पकड़ लेगी और जब करिश्मा बुआ नीलम को कहेगी कि भाभी आपको क्या हुआ है और ऋषि कहाँ पर है, वो दिख क्यों नहीं रहा, कहीं ऋषि फिर से लक्ष्मी को तो बचाने नहीं चला गया, जिसे सुनकर नीलम कहेगी मुझे भी यही डर लग रहा है, कहीं ऋषि उस लक्ष्मी को तो बचाने नहीं चला गया, जिसे सुनकर करिश्मा बुआ नीलम को कहेगी हाँ भाभी लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऋषि आउट हाउस में क्यों जाएगा और उसे कैसे पता चलेगा कि लक्ष्मी वहाँ गई थी, जिसे सुनकर नीलम कहेगी जा सकता है ऋषि, वो लक्ष्मी को बचाने के लिए पाताल लोक तक जा सकता है। यह सुनकर करिश्मा बुआ को काफी बड़ा शौक लगेगा और लेकिन जब आयुष विक्रांत और वीरेंद्र लक्ष्मी को बचाने के लिए आउट हाउस में जाएंगे और आयुष दौड़ता हुआ आउट हाउस की खिड़की से लक्ष्मी के कपड़े को देखेगा, तभी आयुष लक्ष्मी के मलबे के अंदर दबे हुए कपड़े को देखकर जोर से चिल्लाएगा भाभी, जिसे सुनकर तभी वीरेंद्र और विक्रांत आयुष के पास आएंगे और लक्ष्मी को बचाने के लिए सारा मलबा एक एक करके हटाएंगे और वीरेंद्र आयुष को कहेगा कि ये क्या है, कहीं ये शायद लक्ष्मी की साड़ी तो नहीं, जिसे सुनकर आयुष कहेगा हाँ ये लक्ष्मी भाभी की साड़ी है, जिसे देखकर विक्रांत आयुष और वीरेंद्र मलबे में दबी हुई लक्ष्मी की जान बचाने के लिए एक एक करके मलबा हटाएंगे, जहाँ पर जब विक्रांत वीरेंद्र और आयुष पूरे मलबे को लक्ष्मी ऋषि के ऊपर से हटा देंगे और लक्ष्मी ऋषि दोनों मलबे के अंदर दबे हुए एक दूसरे की बाहों में होंगे, तभी विक्रांत को लक्ष्मी ऋषि को एक दूसरे की बाहों में देखकर काफी बड़ा झटका लगेगा और आयुष चिल्लाकर विक्रांत को कहेगा कि विक्रांत तुम खड़े क्यों हो, जाओ जाकर गाड़ी लाओ, लक्ष्मी भाभी और ऋषि भाई को हॉस्पिटल ले जाना है, वक्त जाया मत करो, लक्ष्मी भाभी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द अभी सबसे पहले लक्ष्मी भाभी को हॉस्पिटल ले जाना है। यह सुनकर विक्रांत दौड़ते हुए लक्ष्मी ऋषि की जान बचाने के लिए अपनी कार लेकर आ जाएगा, जहां पर आयुष और वीरेंद्र लक्ष्मी को पहले अपनी गोद में उठाकर कार के अंदर रखेंगे, इसके बाद ऋषि को लक्ष्मी के बगल में कार के अंदर रखेंगे और विक्रांत आयुष के साथ सिटी हॉस्पिटल लक्ष्मी ऋषि को लेकर चला जाएगा, जहां पर हॉस्पिटल में लक्ष्मी ऋषि दोनों को एक साथ एडमिट किया जाएगा। तभी विक्रांत को ऋषि लक्ष्मी के लिए काफी ज्यादा अंदर से दुख होगा और विक्रांत सोचे कि वो जो लक्ष्मी के साथ शादी करा है असल में वो खुद लक्ष्मी के लायक नहीं है, लक्ष्मी के लायक सिर्फ ऋषि ही है, भगवान ने ऋषि और लक्ष्मी की जोड़ी ऊपर से बनाकर भेजी है, इसलिए अभी जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत गलत है, मुझे लक्ष्मी के साथ शादी नहीं करनी, लक्ष्मी के साथ शादी होनी चाहिए तो ऋषि की। ये सब विक्रांत हॉस्पिटल में लक्ष्मी ऋषि की हालत देखकर सोचेगा और लेकिन अगर मलबे में दबी हुई लक्ष्मी को कुछ हो गया और लक्ष्मी जिंदा नहीं रही तो आपको कैसा लगेगा, और विक्रांत को लक्ष्मी की शादी ऋषि के साथ करवा देनी चाहिए क्या नहीं, और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, लक्ष्मी ऋषि की या फिर विक्रांत लक्ष्मी की, ये सब हम कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।